स्वागत है दोस्तों आपका ऊर्जा फिटनेस पे। हमारी हार्मोन सीरीज चल रही है और हार्मोन सीरीज का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पुराने दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज, अगर अच्छी बॉडी आप लोगों को बनानी है साइंटिफिक तरीके से, प्लीज वॉच दोस टू वीडियोस। आज का जो टॉपिक है वो टेस्टोस्टेरोन है। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हॉर्मोन्स आर वेरी क्रूशियल इन योर बॉडी, दे चेंजेस योर बॉडी। और इस तरह का कोई भी एक्शन जब भी आप हॉर्मोन से रिलेटेड ले रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की प्रेजेंस के आप इस तरह के एक्शन ना लें। हमेशा अपने फिजिशियन की सलाह लें और उसी के बाद आगे बढ़े। आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू डू एनीथिंग। प्लीज रिसर्च एंड whatever you are doing, do in the presence of a doctor. दोस्तों, हमारा जिम और डाइट सेंटर सूरत गुजरात के अंदर है, सो इफ यू आर फ्रॉम हियर प्लीज डू विजिट अवर जिम। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हॉर्मोन्स क्या है और हॉर्मोन्स क्या करते हैं। एपिसोड नंबर 1 के अंदर, एपिसोड नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया इंसुलिन बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, इंसुलिन किस तरह से मसल्स बिल्ड करता है और इंसुलिन किस तरह से बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं जब उनको अच्छी बॉडी बनानी होती है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड एपिसोड के अंदर टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन की, जो द किंग ऑफ एनाबॉलिक्स या फादर ऑफ एनाबॉलिक्स जिसको बोला जाता है। ये वो फर्स्ट सिंथेटिक एनाबॉलिक हॉर्मोन है जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले टेस्टोस्टेरोन के। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में अगर समझना है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज जो हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, प्लीज वॉच दीज वीडियोज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आज हम टेस्टोस्टेरोन को समझेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग प्रोस्पेक्टिव से, सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो जरूरत पड़ने पर आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जाता है। जब आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ये हमेशा नहीं होगा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। आप जब अपनी बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खाके, तो आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है व्हेन यू पुट योर बॉडी इन अ गुड एनवायरनमेंट, और वो आपकी सेल से जाके कनेक्ट हो जाता है और मसल सेल को जाके वो बोलता है प्लीज ग्रो। और इस तरह से आपकी मसल सेल्स ग्रो होती है जब टेस्टोस्टेरोन उसको सिग्नल देता है। तो सोचिए, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आप कितना भी अच्छा एक्सरसाइज कर लीजिए और कितनी भी अच्छी आप डाइट कर लीजिए, आपकी मसल ग्रो नहीं होगी। तो यहाँ पर मसल बिल्डिंग के अंदर रोल आता है टेस्टोस्टेरोन का। अगर नेचुरली मैं बात करूं, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रहता है, तो 300 टू 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर जो है, ये एक बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज दी हुई है जिसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होना चाहिए एक हेल्दी यंग और यंग मेल के लिए। तो अगर आपकी एज ज्यादा है तो इट शुड बी लाइक, अगर आपकी एज 70, 80, 90 की रेंज में, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 300, 400 के आजू-बाजू रहेगा। If your age is 50, then it should be near about 400, 500, 600. But if you are in your 20s, 30s and 40s, then it should be 900 at the age of 20 around. 30 ki age mein aapka 800, 700 ke aaju baaju. Aur 40 ki age mein aapka 600, 700 ke aaju baaju testosterone level rehna chahiye biological reference range ke according. Ab problem kahan par aati hai? Abhi lifestyle itni kharab ho chuki hai ladkon ki. Uske alawa environmental pollution, so many chemicals in the foods and everything, air mein pollution hai, pani mein pollution hai, aur uski wajah se testosterone ka level bahut zyada down ho raha hai logon ke young age ke andar hi. To mere paas hamare gym mein aise clients bhi hain jo jinki age 25 26 aur unka testosterone level down ho ke aa gaya hai kitna 300 400 500 ke range. To ab is condition pe wo kitni bhi mehnat kare, it is very hard for them to build muscles. So, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी लाइफस्टाइल को एनालिसिस किया जाता है। अगर पर्सन की लाइफस्टाइल खराब थी, उसका फूड खराब था, नो फिजिकल एक्टिविटी, तो धीरे धीरे इन चीजों को ऐड किया जाता है, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, और फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि ये पर्सन का टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। हर मंथ उसका टेस्ट हम लोग करवाते हैं और फिर अगर उसका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता जा रहा है, मींस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
पर्सन मसल बिल्ड करने लगता है और उसको फास्ट रिजल्ट मिलते हैं. सो दिस इज हाउ टेस्टोस्टेरोन वर्क्स इन द मेल बॉडी टू बिल्ड मसल्स. और एक आम आदमी को हम इस तरह से टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली इंक्रीज करवाते हैं. कुछ सप्लीमेंटेशन भी होते हैं जिनकी हेल्प से आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, बट ये तभी काम करेंगे जब आपकी डाइट अच्छी है, आपके वर्कआउट्स अच्छे हैं, जैसे ZMA, जिंक, मैग्नीशियम, एस्पार्टेट. उसके अलावा आप कैल्शियम और वाइटमिन D3 अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं. आपको पता है D3 जो है एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है. आपकी बॉडी के अंदर वाइटमिन चाहिए आपकी बॉडी को, D3 जो है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. These kind of things person can add if the person is natural and this is how he can optimize his testosterone. So, चलिए बात करते हैं बस शॉर्ट में वापस. एक natural bodybuilder के लिए, एक natural person के लिए अगर उसको अपने testosterone के level को optimize करना है तो उसको क्या करना होगा? First thing, अच्छा workout. Second thing, अच्छा diet. Third thing, अच्छी sleep, because sleep के अंदर भी testosterone का production बढ़ता है. उसके अलावा when everything is on point, person can add some supplementation and this is how he can optimize the testosterone and optimize the muscle building process. Ab bodybuilders kya karte hain? Now this is the unnatural part and the enhanced part. To ye jo bhi main discussion aap logon ke sath kar raha hu, I'm not a doctor. Aur to agar aap is tarah ka kuch bhi kadam apni life ke andar uthana chahte hain, please consult a doctor. So bodybuilders kya karte hain? Jo ek natural person ka testosterone level hota hai 300 to 900 nanogram per deciliter, ये क्या करते हैं, बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में और उस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को वो इंक्रीज करके कई गुना बढ़ा देते हैं, 2000-3000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में पहुंचा देते हैं. अब इस कंडीशन पे क्या होगा, जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है तो आपकी मसल सेल्स को सिग्नल जो है ग्रोथ का वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही बॉडी के अंदर बढ़ गया है. और इस कंडीशन पे पर्सन ज्यादा खा सकता है, ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता है और ज्यादा ग्रो कर सकता है. और इसीलिए बॉडी बिल्डर जो है वो इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने ज्यादा मस्कुलर हो जाते हैं, बिकॉज दे इंजेक्ट दिस हार्मोन एक्सटर्नली. दिस इज कॉल्ड स्टेरॉइड. स्टेरॉइड मीन्स कोई भी सेक्सुअल हार्मोन जिसको आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो. सेक्सुअल हार्मोन्स को मेडिकल लाइन के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन बोला जाता है. So, testosterone is a steroid hormone जिसको synthetically बना के बाहर से inject किया जाता है. अब इसके बहुत सारे side effects हैं. जब भी कोई person testosterone inject करेगा body के अंदर तो उसको बहुत side effects मिलते हैं. वो side effects के लिए हम लोग दूसरी video बनाएंगे, क्योंकि testosterone body के अंदर और दूसरे hormones के अंदर convert होता है और जब testosterone की मात्रा बढ़ेगी body में तो दूसरे hormones की मात्रा भी बढ़ जाएगी और वो body को disturb कर देंगे. एक और जरूरी चीज, जब आप बाहर से कोई भी हार्मोन इंजेक्ट करोगे बॉडी में तो बॉडी सेंस कर लेती है और बॉडी खुद का टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद कर देती है. तो उस केस में पर्सन को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और उसका हो सकता है रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाए और टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी उसका शट डाउन हो जाए. तो देयर आर सो मेनी बैड साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट दिस इज अ स्पोर्ट और इसीलिए जो है बॉडी बिल्डर ये रिस्क लेते हैं, बट डॉक्टर की प्रेजेंस में. एक आम आदमी को हम कभी भी इस तरह की चीज़ों की सलाह नहीं देते हैं और उसको कभी करना भी नहीं चाहिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन डिस्टर्ब द लाइफ. तो ये था इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर और एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग के अंदर. मैंने आपको बताया कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में किस तरह से आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर सकते हो डाइट, वर्कआउट, स्लीप, सप्लीमेंटेशन के थ्रू. और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं जिससे उनकी बॉडी इतनी मस्कुलर हो जाती है. काफ़ी आम आदमी होते हैं वो बोलते हैं मुझे इस बॉडी बिल्डर जैसा दिखना है, मुझे उस बॉडी बिल्डर जैसा दिखना है, बट यू कांट लुक लाइक दैम. वाई? बिकॉज दोज पीपल आर इन द सुपर फिजियोलॉजिकल रेंज ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली एक पर्सन नहीं पहुँच सकता. So don't think I want to look like this person, I want to look like this fitness model. No, वो उनका sport है, वो उनकी रोजी रोटी है, उससे वो पैसे कमाते हैं और इसीलिए वो testosterone inject करने का risk लेते हैं और अपनी body को उस level तक लेकर जाते हैं. So this was everything friends about the testosterone. If you have any kind of questions, please put your questions in the comment section below. And अगर किसी भी तरह का और कोई आपको video चाहिए, please you can put that in the comment section below. हमें फॉलो कीजिए आप
इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारी आईडीज वहां पर हैं, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है यू कैन पुट ऑन द इंस्टाग्राम। एंड हमारी टीम है ऊर्जा फिटनेस की टीम एंड वी आर सिचुएटेड इन सूरत गुजरात। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्थ कंसल्टेंसी माई टीम इज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।